वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग यहाँ पे कूलेंट और वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। पानी में कई बार इंप्योरिटीज होती है और इस इंप्योरिटी के कारण कुछ जो ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्केल फॉर्मेशन या और कुछ जो फॉलिंग हो सकती है। अब जब ट्यूब के अंदर कुछ गंदगी जमा हो जाती है तो क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट और वाटर इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर तो अभी कुछ लेयर आ गया ना, तो अभी इसमें से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर और रेफ्रिजरेंट के बीच में जो हीट एक्सचेंज होनी चाहिए जितनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए उतनी अच्छी तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, जिसका जो असर है वो प्लांट के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। कूलिंग ठीक से नहीं होती, पावर कंजम्पशन इंक्रीज होता है, मशीन की लाइफ जो है कम हो जाती है, और ऐसा ना हो इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले जो है एक प्रॉब्लम आता है करोजन जो है, ट्यूब्स के अंदर करोजन होता है और उसके लिए करोजन इनहिबिटर यूज किए जाते हैं। तो उसमें फॉस्फेट, सिलिकेट्स या मॉलिब्डेट ऐसे कुछ केमिकल्स मिलते हैं मार्केट में, उसको यूज करना होता है। और ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स एक लेयर क्रिएट करते हैं पाइप के अंदर, और इस लेयर के वजह से जो करोजन है इसका जो प्रमाण है, इसका जो परसेंटेज, इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है वो होता है स्केल। जो पानी होता है उसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं और ये डिपॉजिट हो जाते हैं ट्यूब के अंदर, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, और डिपॉजिट होने की वजह से एक हार्ड लेयर क्रिएट होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो लेयर है ये हीट ट्रांसफर जो है उसको होने नहीं देता, साथ ही में वाटर का फ्लो जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा और ट्यूब्स को भी डैमेज कर देगा। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे जो पॉलीफॉस्फेट और बाकी केमिकल जो है उसको यूज किया जाता है। और ये जो केमिकल है, एक केमिकल ट्यूब के अंदर स्केल को जमा होने नहीं देते, मतलब स्केल का जो मतलब ये मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम है इसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ये थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है ना, तो इसको वो निकाल देते हैं। ओके, इसको जमा होने नहीं देते, इसको एक साथ आने नहीं देते, जिससे कि स्केल कुछ हद तक जो है उसको रोका जा सकता है इन केमिकल की मदद से। आगे क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब पानी में अलग अलग चीजें हैं, तो करोजन भी हो सकता है उससे, या फिर जैसे हमने देखा अभी स्केल फॉर्मेशन भी हो सकता है, वैसे कुछ काई जैसे पदार्थ है ये भी पाइप के अंदर जमा हो सकते हैं। उसको निकालने के लिए भी कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन बेस्ड जो है केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और ये जो केमिकल है ये ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, और जो उसकी ग्रोथ होती है जो भी काई है या बायोलॉजिकल जो भी चीजें हैं, जैसे अल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज ए भी जो है ये वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और हीट ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे वाटर ट्रीटमेंट में कुछ सॉलिड चीजें हो सकती है पानी के अंदर, कुछ मिट्टी के पदार्थ हो सकते हैं, कुछ सैंड हो सकती है, या कोई भी सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकते हैं, उसको भी निकालना जरूरी है, अदरवाइज वो भी अंदर जाके ट्यूब में जमा हो सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम फिल्टर्स लगा सकते हैं अच्छे, और फिल्टर्स लगा के ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसको अलग कर सकते हैं। ब्लो डाउन भी एक तरीका होता है। ब्लो डाउन में क्या होता है कि कुछ हद तक जो पानी है, कुछ परसेंटेज पानी जो है कूलिंग टावर स्लम का, उसको ड्रेन कर देते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मिनरल्स का या सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इस ब्लो डाउन वाटर के साथ में बाहर निकल के जाते हैं, जिससे कि कुछ हद तक सॉलिड पार्टिकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको करने के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स लगवाए जाते हैं। आगे वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कुछ सेंसर लगवाए जा सकते हैं, जो सेंसर्स जो है चेक करेंगे कि पानी में मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज क्या है, या फिर अगर कोरोजन हो रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें है वो पानी में बढ़ रही है तो उसको भी मॉनिटर करेगा, पीएच लेवल को पानी के चेक करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को चेक करने के लिए कुछ हम सेंसर्स लगा सकते हैं, और सेंसर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि पानी में क्या क्या पैरामीटर्स है, या साथ में मैनुअल भी पानी को सैंपल लेके चेक कर सकते हैं कि पानी का पीएच वैल्यू क्या है, या फिर बाकी जो चीजें हैं टीडीएस जो है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वगैरह पानी के अंदर क्या है, इसको हम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद में हम इसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे कि एशरे के जो वैल्यूज है, इसमें काफी सारी वैल्यूज दी है, तो मैं एक वैल्यू यहाँ पे बोलता हूँ कि टीडीएस, टीडीएस एशरे कहता है कि 2050 होना चाहिए, 2050 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम टीडीएस की वैल्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं, साथ में उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो है, क्लोराइड्स वगैरह जो है, इसका भी परसेंटेज चेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड रख सकते हैं। और रिकॉर्ड में अगर पता चलता है कि हाँ 100-100 चीज अगर इंक्रीज हो रही है, तो फिर उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए और कितना परसेंटेज में यूज करना चाहिए, और उस केमिकल को यूज करके, केमिकल डोजिंग करके हम ये जो
जो परसेंटेज बढ़ते हैं किसी सॉलिड्स के वगैरह या कोई मिनरल अगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।